हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और इस वीडियो के अंदर मैं एक अपडेट लेके आया हूँ जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले क्या होता था कि लोग जो अपस्टॉक पे बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं या जीरोधा पे बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन पे क्लिक करते थे एंड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद वो जीरोधा का सेंटेक्स पेज ओपन करते थे और यहाँ से कोड कॉपी करके पेस्ट करते थे। तो कई बार क्या होता था कि वो उनको, जैसे ये बाय डिफॉल्ट ACC है तो उनको अपने स्टॉक का नाम डालना होता था, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट मैंने एग्जांपल के लिए 1 डाल रखी है, अपनी क्वांटिटी डालनी होती थी। तो कुछ वो रिमूव करते हुए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देते थे या कुछ ज़्यादा वर्ड को रिमूव कर देते थे, डिलीट मार देते थे, जिससे इनका ऑर्डर लगता नहीं था या काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जिनको बेसिक नॉलेज है वो तो इजिली कर लेते थे, पर जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कोडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो मैंने क्या इसका सोल्यूशन निकाला, मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, ये हमारी वेबसाइट है nextlevelbot.com। उसके बाद आपको सेंटेक्स के पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंटेक्स का पेज क्लिक करोगे आपको दोनों चीजें दिख जाएंगी, आप स्टॉक का कोड बनाने के लिए मिल जाएगी और जीरोधा का कोड बनाने के लिए वो मिल जाएगा, टूल मिल जाएगा। तो सपोज मानो मेरे को जीरोधा का कोड बनाना है, तो जैसे मैंने जीरोधा पे क्लिक करा तो आप स्टॉक गैप हो गया, आप जीरोधा का कोड बन सकता है। ये जैसे मैंने जरूरत करा, नीचे ऑप्शन आ गए कि आप कौन सा ऑर्डर लगाना चाहते हो। तो जैसे कि मैं रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, आप चाहो कवर भी कर सकते हो, आप चाहो ब्रैकेट भी कर सकते हो, जो आपका ऑप्शन हो। तो मैं रेगुलर लगाना चाहता हूँ। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पर क्या आपके ट्रेड जिस पे आप काम करना चाहते हो उसका क्या नाम है। तो मैं SBI डाल देता हूँ। जैसे मैंने SBI डाला, इधर नाम आ गया, मैंने SBI कर दिया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फ्यूचर ऑप्शन होते हैं उनके सिंबल नहीं मिलेंगे, आपको फुल पूरे टाइप करने पड़ेंगे। जो फ्यूचर ऑप्शन के कॉल लिखा होता है, कितने की कॉल है वगैरह वगैरह, वो पूरा टाइप करके लेके आना पड़ेगा या कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूंगा। उसके बाद कौन से एक्सचेंज में लगाना चाहते हो, NSE में लगाना चाहते हैं। कई ऑर्डर होते हैं जो जैसे फ्यूचर में काम कर रहे हो तो NFO में लगाओगे ना आप, तो ये आप NSE में लगाओगे, इसलिए NSE सेलेक्ट करोगे। कितनी क्वांटिटी लगाना चाहते हो, मैं 10 लगाना चाहता हूँ, 10 टाइप कर दिया। बाय करना चाहते हो, सेल बाय करना चाहता हूँ। मार्केट में लेना चाहते हो, लिमिट में लेना चाहते हो, SL में लेना चाहते हो, SLM में लेना चाहते हो, अभी लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। लिमिट ऑर्डर में जैसे मार्केट में कर रहा हूँ तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लिमिट में प्राइस का ऑप्शन है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, नॉर्मली आप ऑर्डर लगाते होगे तो आपको पता है कि कोई 100 रुपये की चीज है तो लिमिट में आप 98 टाइप करते हो 2 रुपये नीचे लगाने के लिए, पर यहाँ 98 नहीं टाइप करना, आपको 2 रुपये नीचे करना है। 2 रुपये नीचे लगाना चाहता हूँ जब सिग्नल आए। आप चाहो तो इसे परसेंटेज भी कर सकते हो, 2% नीचे हो जाएगा इस पर सेलेक्ट करोगे। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है भाई आप MIS लगाना चाहते हो या डिलीवरी लगाना चाहते हो। तो MIS ऑर्डर लगाना चाहता हूँ क्योंकि रेगुलर ऑर्डर में दोनों ऑप्शन होते हैं, आप डिलीवरी भी उठा सकते हो, MIS भी। वैसे एक जनरेट कोड का बटन शो हो जाएगा, मैंने जैसे इस पर क्लिक करा ये कोड आ गया, जो आप वहां से कॉपी करते थे वो कोड यहाँ पर आ गया और इसमें कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, आपको बस कॉपी करना है। ये कॉपी करा मैंने, उसके बाद आपको चार्ट पे जाना है एंड उसके बाद आपको ये यहाँ पर पेस्ट कर देना अपने जो भी आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो वगैरह वगैरह। मैं अभी हॉरिजेंटल लाइन यूज कर रहा हूँ, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अभी कोई भी अलर्ट्स नहीं है, 0 अलर्ट्स है एंड यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है। अब मैं जानबूझ के इसे ट्रिगर करा देता हूँ, वैसे भी मार्केट बंद होने वाली है, आई थिंक कहीं बंद ना हो गई हो, तो देख लेते हैं हम। ये ट्रिगर कराया हमने और इधर आए एंड यहाँ पर हम देखते हैं ऑर्डर आ गया, अभी बंद नहीं हुई। वैसे 3:17 हो गए हैं और अभी 3-4 मिनट में बंद हो जाएगी। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया, MIS 2 रुपये नीचे लगा है। आप देखोगे 300 जो करंट प्राइस है 330 रुपये है, 328 रुपये समथिंग पे लगा है, 2 रुपये नीचे लगा है। इस तरीके से आप कोड को जनरेट कर सकते हो। सेम मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से आप अपस्टॉक का भी कोड जनरेट कर सकते हो, आपको बस रिफ्रेश करना पड़ेगा ये चार्ट एंड जैसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो जैसे मतलब रीलोड करना पड़ेगा, आपको अपस्टॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ही आप कमांड बना सकते हो, मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ। मैं रेगुलर पे गया, अब मैं कैंसिल ऑर्डर बना रहा हूँ और हमने SBI लगाया था तो SBI बना देता हूँ। SBI बाय का ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ, कॉल जनरेट। अब ये मैंने कॉपी कर लिया कोड, जो मेरा ऑर्डर लगा हुआ है उसे कैंसिल करने के लिए मैं इसे कमांड बना रहा हूं। तो कितनी इजी तरीके से आपने कैंसिल ऑर्डर की भी कमांड बना दी, 2-4 बार यूज करोगे आपको ये चीजें आ जाएंगी। मैंने कैंसिल ऑर्डर की कमांड बना दी और ये देखिए ये ऑर्डर लगा हुआ है मेरा, अभी ओपन ऑर्डर है, पर मैं यहां से ना कैंसिल करके बोर्ड से कैंसिल करवा रहा हूं। आप चाहो तो ये किसी इंडिकेटर में भी डाल सकते हो, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि भाई इस पर ट्रिगर हो तो मेरा ऑर्डर जो भी लगे वो कैंसिल हो जाए। तो ये देखो कमांड आई, अब हम यहाँ गए एंड ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कमांड आई थी। तो इस तरीके से अब आप इजीली तरीके से सेंटेक्स को, मेरी लैंग्वेज में से सेंटेक्स कहते हैं, आप इसे कमांड भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी कमांड बना सकते हो। कवर ऑर्डर बनानी है, कवर ऐसे बनाओगे, यहाँ टाइप करोगे जो भी आपको टाइप करना है, उसके बाद ये एक्सचेंज, ये फिर मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर,
एवरीथिंग। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं टीम व्यूवर पे एनी डेस्क पे आके आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर एंड मतलब सब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।